कोलकाता में फिर खूनी खेल हुआ है, खून की होली खेली गई है। दिन दहाड़े लोगों ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में दो की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। घायल का बासागुड़ा में इलाज चल रहा है। बासागुड़ा थाना इलाके की यह पूरी घटना है और इस पूरे मामले में ही जानकारी एएसपी ने दी है। इस हमले में दो की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी हाँ, मैं बता दूं कि आज दिन दहाड़े बासागुड़ा में नदी पार बस्ती से आए अज्ञात लोगों ने ग्रामीण पर प्राणघात तक हमला किया है। इसमें तीन युवकों की मौत हो गई है। दो की मौत तो वारदात पर ही हो गई और एक की मौत इलाज के दौरान हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बासागुड़ा से पुष्पका पाल रास्ते पर 1.5 किलोमीटर पुष्पका पाल की ओर शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही। तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि तीसरे दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरे की बासागुड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में जो मौत हुई है वो इलाज के दौरान हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मौत हुई उनका नाम युवकों में से चंद्रैया उड़ियाम, अशोक भंडारी और कारम रमेश है। मामले की पुष्टि एएसपी जितेंद्र यादव ने कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि घटना की परिस्थितियां, कारण और संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जांच भी की जा रही है। ये जो नदी उस पार से कुछ अज्ञात लोग आए थे, ऐसा अक्सर देखा गया है कि यह जो नक्सलियों की इस्माइलेशन टीम होती है, इनके द्वारा इस तरह वारदात को अंजाम दिया जाता है। शहर कल शहर से 300 मीटर की दूरी पर ही डीआरजी दीपक दुर्गम की भी नक्सलियों ने इस्माइल एक्सल टीम ने गोलियां चलाई थी जिससे वो घायल हो गए थे। इस तरह से जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो इस्माइल एक्सल टीम है वो आज सक्रिय होती दिख रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और जिक्र बिलासपुर का, होली खेल रहे युवक को गोली मारी गई है। बटालियन के जवान ने यह गोली मारी। मामूली विवाद पर एयरगन से गोली मारी गई है मस्तूरी के मल्हार चौकी क्षेत्र की यह घटना। युवक के सीने में गोली लग गई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2री बटालियन सकरी में जवान पदस्थ है। आरोपी पुलकेश नापित को मल्हार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश मौर्या जुड़ गए हैं। उमेश, ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, ये पूरी जो घटना है मस्तूरी क्षेत्र के मल्हार चौकी की घटना है और जो रेस्ट हाउस वाला जो इलाका है वहां पर कुछ लोग जो है युवक होली खेल रहे थे। इसी दौरान पुलकेश नापित जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 2री बटालियन में पदस्थ है वो वहां पर पहुंचा और किसी बात को लेकर पहले तो विवाद हुआ। उसने सबसे पहले अपने पास रखे एयर गन से पहली गोली दागी, हालांकि वो गोली उसके बगल से निकल गई युवक की, लेकिन दूसरी गोली उसके सीने पर लग गई। तत्काल वहां पर जो आसपास के इलाके के जो लोग थे वहां पर उस युवक को पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसकी अस्पताल में एडमिट किया गया जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही चौकी मल्हार चौकी की जो पुलिस है वो वहां पर मौके पर पहुंच के जो आरोपी पुलकेश नापित है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन प्राथमिक जानकारी यही मिल रही है कि जो वहां पर युवक होली खेल रहे थे उस बीच नापित पुलकेश नापित जो वहां पर पहुंचा उसने विवाद किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ मामला निकल कर आता है। फिलहाल जो युवक है घायल उसकी इलाज जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र नरसिंहपुर का, राम पिपरिया में दो पक्षों में विवाद हुआ। गाड़ी में तोड़फोड़ और गोली चलने की खबर है। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों पक्ष पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। आपसी विवाद के चलते यह घटना होना बताई जा रही है। दो पक्षों में विवाद और फिर गोलियां भी चली। दो पक्षों के बीच में विवाद की घटना हुई थी जिसमें आपस में गोली चालन की स्थिति सामने आई है। थाने में दोनों पक्षों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करी जा रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है आचार संहिता का उल्लंघन है? अभी मामला क्योंकि अभी संज्ञान में आया है, प्राथमिक स्थिति में है। अभी पुलिस भी इसमें जाँच कर रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसमें उस हिसाब से ही कार्यवाही की जाएगी। ग्वालियर की बात करेंगे। पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई। रॉन्ग साइड में घुसे कार चालक की यह करतूत सामने आई है। पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगा कार चालक। रोकने पर
कार सवार ने कुचलने की कोशिश की। फूलबाग चौराहे की घटना ये बताई जा रही है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। कार चालक की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास इस कार चालक के द्वारा किया गया। बदमाशों का आतंक एक बार फिर से ग्वालियर में देखने को मिला है। यहां पर पुलिसकर्मियों पर ये गुंडे बदमाश भारी पड़ रहे हैं। कुचलने की कोशिश पुलिसकर्मियों को इसके द्वारा की गई। दमोह से खबर है, बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई और पटेरा थाना के तहत भीषण सड़क हादसा हुआ। कार में सवार 5 लोग थे, एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने बेहतर इलाज के भी निर्देश दे दिए हैं। बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई और ये बड़ा हादसा हो गया, एक मौत, साथ ही साथ कुछ लोग घायल। कैसे हुआ हादसा? वो ज्यादा स्पीड में आ रहे थे, तेज रफ्तार में आ रहे थे, उस पेड़ से टकरा गए। 3 लोग वहां से रेफर होके आए, पहले एक जन रेफर होके आए थे, तो जब यहाँ लाए मृत अवस्था में थे, हमने घोषित कर दिया। आगे 2 लोग अभी आए हैं, उनमें से एक ज्यादा सीरियस है, दोनों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, बाकी का ट्रीटमेंट वार्ड में दिया जाएगा। धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर बड़ा हादसा हो गया। सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना कैद हुई है। रामसागर पारा में बेकाबू पिकअप पलट गई। पिकअप वाहन और 2 पहिया क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पिकअप के पलटने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमतरी के नेशनल हाईवे 30 हादसा हुआ और यह पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। बेकाबू पिकअप पलट गई, तेज रफ्तार में रही होगी और इसी बीच ये बड़ा हादसा। हालांकि राहत की खबर, कोई हताहत नहीं। सिवनी का जिक्र करेंगे, डूबने से युवक की मौत हो गई। पेंच नदी के भीमघाट में मौत हुई है। साथियों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक, गोताखोरों ने मृतक का शव बरामद कर लिया है। बादल पार चौकी क्षेत्र की यह घटना है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पेंच नदी के भीमघाट में ये मौत होना बताई जा रही है। श्योपुर के मानपुर थाना इलाके में पिछले दिनों हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की मौत खुदकुशी करने से नहीं बल्कि उसे गला घोंटकर मारा गया था और कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक का जीजा और उसके 3 साथी हैं, जिन्होंने 25 लाख रुपए की देनदारी को लेकर यह हत्या की थी। इसे बड़ी ही होशियारी से शव को नदी में फेंककर आत्महत्या का मामला बनाने का प्रयास भी किया गया था। मामला मानपुर थाना इलाके का है, जहां पिछले 23 मार्च की शाम दांतरधा गांव निवासी भैरू गुर्जर नाम के युवक की हत्या हुई थी और लाश मिली थी। मृतक पिछले 18 मार्च को लापता हुआ, जिसकी 9 मार्च को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें जो मृतक है उसके जो जीजा है हीरा गुर्जर, उसने एक साजिश रची थी अपने अन्य साथियों राजू गुर्जर, श्यामलाल गुर्जर और बल्लू गुर्जर के साथ मिलकर के, जिसमें उस पैसे के लेन देन का इनका आपस में विवाद था, तो इन्होंने प्लान किया था उसको करीब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कल यानी 26 मार्च को छिंदवाड़ा जाएंगे। यहां वो लोकसभा चुनाव के लिए नकुलनाथ की नामांकन रैली में शामिल होंगे। दोनों सुबह 7:30 पर भोपाल से सड़क मार्ग के जरिए छिंदवाड़ा रवाना होंगे। 11:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे दोनों कांग्रेस नेता, शाम तक वापस लौट भी जाएंगे। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर शाम को जीतू पटवारी की बैठक है और इस बीच खबर यह भी है कि सभी पदों से इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के दीपक सक्सेना नकुलनाथ की नामांकन रैली में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश होली के रंग में डूबा हुआ नजर आया। प्रदेश भर में होली का अलग ही जश्न देखने को मिला। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्यौहार मनाते नजर आए। प्रदेश में होली के जश्न की 8 तस्वीरें आप देखिए। भोपाल, उज्जैन, ओरछा, मंदसौर, खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, ये 8 तस्वीरों में अलग अलग रंग आपको नजर आएंगे।
प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं आप, अलग अलग जिलों की, जहां पर होली के जश्न में सभी डूबे नजर आए, रंगों से सराबोर होते हुए नजर आए, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें। छत्तीसगढ़ का जिक्र करेंगे, यहां पर होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेशवासी एक दूसरे के गले लगकर पर्व की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, एक दूसरे के माथे पर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। चारों तरफ गुलाल रंग उठ रहा था, सभी होली के रंग में रंगे रहे। पूरे प्रदेश में उमंग और हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। सभी होली के रंग में रंगे नजर आए, कोई सतरंगी कलर में तो कोई रंग बिरंगी टोपी, तो कोई मुखौटे पहनकर होली की मस्ती में डूबा हुआ है। वहीं कोई बड़े बड़े बालों वाले मुखौटों के साथ होली के रंग में रंगीन नजर आया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर रायपुर, जशपुर, कवर्धा, बलरामपुर, कोरबा, मुंगेली, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव की तस्वीरें देख रहे हैं। होली के मौके पर अपने गृह नगर जशपुर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय ने अपने आवास पर होली खेली और मांदर की थाप पर पत्नी के साथ जमकर थरके। सीएम विष्णु देव साय ने अपने आवास पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ होली खेली और सभी प्रदेशवासियों के होली की शुभकामनाएं भी दी। जशपुर में होली के मौके पर सीएम विष्णु देव साय का एक और रंग देखने को मिला, जहां उन्होंने अपनी माताजी और पूरे परिवार के साथ रंगों का त्यौहार मनाया। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने परिवार के सभी सदस्यों को रंग लगाया और सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। अपने संदेश में सीएम ने कहा कि होली में आपस में मनमुटाव दूर कर नए जीवन की शुरुआत करें। सीएम साय बगिया स्थित सीएम आवास में होली का त्यौहार मनाते नजर आए। लोग यहां पर होली मनाने पहुंचे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद है। सर, सीएम बनने के बाद पहली बार आप अपने गाँव में होली मना रहे हैं, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है और ये प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है, तो सबसे आग्रह होगा कि इसको सब मिलकर शांति से मनाएं। और इसमें कहा गया है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं, तो किसी से आपस में छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी भूल के नए जीवन का शुरुआत करना चाहिए। गाएंगे, उनके साथ होली खेलेंगे और कल हम जशपुर जिला हेडक्वार्टर में और कुनकुरी जो हमारे विधानसभा का मुख्यालय है वहाँ भी उनके नगरवासियों के साथ में होली खेले। जी धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आज होली का त्यौहार है, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों? मस्त रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धिमान रहे और होली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोग तो इसी तरह अपने परिवार के साथ मस्त रहते हैं और आज हमारा परिवार कुनकुरी से हट करके पूरा छत्तीसगढ़ हो गया है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को हम सब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वो इसी तरह हमारी तरह रहे, सदा बाहर रहे, हंसते रहे, खिल के रहते हैं। और मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद बनाए, शुभकामना इसलिए कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी सदा विराजमान रहे। धन्यवाद। और अब बात खंडवा की, जहां होली की मस्ती में मगन नजर आए मंत्री विजय शाह। खंडवा में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक अलग अंदाज देखने को मिला। बालाजी धाम में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने होली खेली और ढोल बजाते हुए भी नजर आए। मंत्री जी ने होली की शुभकामनाएं दी और प्राकृतिक होली के कार्यक्रम में मंत्री ने जमकर गुलाल भी उड़ाया।
हिंदुस्तान का ये त्योहार होली का त्योहार जो प्रेम का त्योहार है और दोनों के साथ डीजे प्ले रवि आप आ जाओ लोकसभा चुनाव के चलते इस बार होली का त्यौहार भी राजनीतिक रंगों में सराबोर नजर आया। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव और भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे शहर भर में होली के दिन घूम घूम कर लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही फिल्मी गानों पर डांस भी किया और कार्यकर्ताओं को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं भाजपा विधायक भी जगह जगह आयोजित होली महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे भी गोलबाजार स्थित होली के रस रंग महोत्सव में शामिल हुए और डांस किया। होली का पर्व में उमंग का भी है, उत्साह का भी है, धार्मिक भी है और दुख सुख में एक दूसरे से मिलने का भी है, अपनी बुराइयां भलाइयों को समाप्त करने का भी है। आज मैं यहां पर जहां खड़ा हूं सिंधी धर्मशाला में, सिंधी समाज ने हमेशा एक ऐसी पहल की है जिसका मार्गदर्शन दूसरी समाजों ने भी प्रेरणा ली है। होली का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसकी प्रतीक्षा लोग साल भर से करते हैं। रंगों का ये महापर्व है और मैं तो ये मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि जबलपुर संस्कार धानी के रहने वाले हर लोगों के जीवन में ऐसी रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए ताकि सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति हो। खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में होली पर भगवान ओंकारेश्वर का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान की पालकी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और इसी दौरान विभिन्न रंगों और पुष्पों से भगवान ओंकारेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही भक्तों ने भगवान के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। इस दौरान नर्मदा के अभय और नगर घाट पर भक्तों की भीड़ लगी रही। रंगों से रंगे भक्तों ने नर्मदा नदी में स्नान किया। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद कई श्रद्धालुओं ने ओंकार पर्वत की परिक्रमा की। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। देवास में युवा भगत सिंह क्लब की ओर से आकर्षक रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रंगोली बनाई गई। इसी के साथ ही भगवान राम और भगवान गणेश की रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार और संस्था के सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भगत सिंह क्लब हर साल होली पर रंगोली की प्रदर्शनी का आयोजन करता है और इस बार दिव्यानी जोशी ने रंगोली बनाई। होली के मौके पर हुड़दंग करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण राजनीतिक माहौल होने के चलते होली के मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी तैनात नजर आए। होली के त्यौहार में कोई हादसा या अभद्र ना हो सके, इसके लिए उपद्रव ना हो सके, इसके लिए प्रमुख चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पर्व सभी लोग मिलकर शांति से मना सकें, इसीलिए एसपी, एडिशनल एसपी सड़कों पर उतरे हैं, घूम रहे हैं और जगह जगह पर चेकिंग भी कर रहे हैं। होली के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी राउंड लगा करके सभी पॉइंट्स वगैरह भी चेक किए गए हैं। तो यहाँ पे कई फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, कई जगह पे बड़े चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और साथ में ही कई पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगी हुई हैं। एक एक थाना क्षेत्र में पाँच पाँच छः छः पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगी हुई हैं। खरगोन के गोवर्धन नाथ मंदिर और ब्रज धाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिन की होली उत्सव का समापन हुआ। यहां ब्रज की तर्ज पर 40 दिन की होली खेलने की परंपरा है और इस दौरान होली के रसिया गीत की धूम रहती है। आस्था की इस होली में हर श्रद्धालु भगवान ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर नजर आया। श्रद्धालुओं में भक्ति, उत्साह और होली का आनंद अलग ही दिखाई दिया। वसंत पंचमी से आज तक पूरे 40 दिन ब्रज की पर होली खेली गई। रंगों की फुहार
और होली के रसिया गीतों के बीच भक्तों ने खूब आनंद उठाया। और अब कुछ अन्य खबरों का जिक्र, धार का जिक्र करेंगे। ग्राम कानवन में होली पर लोग आज भी सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में यह अनोखा आयोजन होता है, जिसमें लोग धधकते अंगारों के ऊपर से नंगे पैर निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने पर वो प्रतिवर्ष होली के अवसर पर धधकते अंगारों से गुजरते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसका आज भी ये लोग निर्वहन कर रहे हैं। आज तक यहाँ किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लोग इसे महादेव की कृपा मानते हैं। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां जंगल में मां की ममता और प्यार का अद्भुत दृश्य सामने आया। तस्वीरें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मादा भालू शावक को पीठ पर बैठाकर घुमाती नजर आई। भालू शावक मां की पीठ से उछल कूद करता खेलता रहा।